हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेकी शो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाइकविजन के DVR कैमरास की। अक्सर हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि किस कैमरे के साथ में कौन सा DVR कंफर्टेबल होता है, और इस वीडियो बहुत छोटी वीडियो होगी, 2 या 3 मिनट की वीडियो होगी। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी हाइकविजन के DVR कैमरा खरीदने के लिए। ये मैं जो न्यू सीरीज आई है उसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले हम 2 मेगापिक्सल कैमरे के बारे में बात करते हैं, जो 1080p की बात कर रहा हूँ मैं। इसके लिए जो कैमरा DOT डॉट से स्टार्ट होता है वो 2 मेगापिक्सल के कैमरे होते हैं, जिसके लिए सपोर्टेबल DOT से अगर स्टार्ट होता है तो आप समझ जाइए कि ये 1080p 2 मेगापिक्सल कैमरे का सपोर्टेबल वाला कैमरा है या 2 मेगापिक्सल का कैमरा है। और इसको सपोर्ट करने के लिए जो DVR लगेगा वो है HO और K सीरीज के DVR। अभी आजकल जो नई सीरीज आई है वो HO और K सीरीज के DVR की सीरीज आई, इसमें सिर्फ 2 मेगापिक्सल के ही कैमरे सपोर्ट होते हैं। लाइट वर्जन में हम 3 मेगा 4 मेगापिक्सल कैमरे डाल देते हैं, लेकिन वो क्वालिटी 2 मेगापिक्सल की देती है, उस पर आप मत जाइएगा। उसके बाद मैं आपको बात करता हूँ 5 मेगापिक्सल कैमरे के लिए। 5 मेगापिक्सल का जो कैमरा जब आप खरीदते हो तो जैसे कि मैं आपको तो मेरे पास CP+ का है, एक बार आपको कंफ्यूज हो जाए तो उसमें CP USC लिखा है, तो उसमें आपको HOT से स्टार्ट होता है। 2 मेगापिक्सल DOT से स्टार्ट होगा, 5 मेगापिक्सल का कैमरा HOT से उसकी सीरीज स्टार्ट होती है, तो आप समझ जाओगे कि ये 5 मेगापिक्सल के कैमरे। अब इसके लिए DVR कंफर्टेबल है, तो जो भी DVR की सीरीज होती है उसके लास्ट में जब आप मॉडल नंबर देते हो तो उसके लास्ट में मॉडल नंबर में लिखा होता है HO या K सीरीज का DVR है या नहीं। तो HU और K सीरीज का अगर DVR है तो आप समझ जाएंगे कि 5 मेगापिक्सल के कैमरे को सपोर्ट करता है, और HO वाला 2 मेगापिक्सल को सपोर्ट करता है। अब मैं बात करता हूँ 4K कैमराज के लिए जो सीरीज स्टार्ट होती है कैमरे की UID। अगर UID से अगर कैमरे के मॉडल नंबर स्टार्ट हो रहा है तो आप समझ जाइए कि 4K कैमराज है हाइकविजन के। और इसके DVR और DVR की सीरीज अगर लास्ट में आपको HT या HUK का सीरीज का DVR दिख रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें आप 4K के कैमराज आपको सपोर्ट करेंगे, काम करेंगे, चल जाएंगे। तो उसे बहुत शॉर्ट वीडियो बनाया ताकि ज़्यादा टाइम पास ना हो, आपको डायरेक्ट मुद्दे की बात बताऊँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें। और आप भी प्यार के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैंने 1 साल के बाद स्टार्ट किया है अपना ऑफिस, बहुत दिनों के बाद। पहले मैं घर से करता था, तो घर से वीडियो बना नहीं पा रहा था बच्चों की वजह से, तो 1.5 साल के बाद मैंने स्टार्ट किया। तो प्लीज़ इस चैनल को आगे ग्रो करने में बहुत मदद करें, और आप भी प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी के साथ मैं आपके साथ विदा लेता हूँ। टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखें।